हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो कुछ हॉलीवुड अपडेट्स निकल के आई हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाऊं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो गाइज, सबसे पहली अपडेट ये है कि जैसा कि आप जानते हैं, सुपर हीरो मूवीज़ या सुपर हीरो का जो जॉनरा है ये फिलहाल गड्ढे में जा रहा है और बैक टू बैक मूवीज़ अंडर परफॉर्म कर रही हैं बॉक्स ऑफिस पे। इसी वक्त जो दूसरे जॉनर की मूवीज़ हैं जैसे एपिक फैंटेसी मूवीज़ या कहें तो थ्रिलर मूवीज़, हॉरर मूवीज़, ये सब बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। इन्हीं में से गाइस एक जॉनर है, वो है वीडियो गेम मूवीज़ का, यानी वो मूवीज़ जो वीडियो गेम पे बेस्ड हैं। आपको पता ही होगा, कुछ टाइम पहले ऐसा माइंडसेट था जनरल ऑडियंस का और क्रिटिक्स का कि वो हमेशा मिक्स्ड या नेगेटिव रिव्यूज़ ही देते थे वीडियो गेम मूवीज़ को, और मेजॉरिटी ऑफ देम बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप होती थी। जैसे आपको याद हो, वॉरक्राफ्ट नाम की मूवी थी, बॉक्स ऑफिस पे अंडर परफॉर्म किया उसने। प्रिंस ऑफ पर्शिया बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हुई। एसेसिन क्रीड तो इतनी बड़ी फ्लॉप हुई थी कि फॉक्स स्टूडियोज़ के कान ही खड़े हो गए थे। लेकिन कुछ ही एकाध मूवीज़ रही थी जो सक्सेसफुल हुई थी। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि वीडियो गेम मूवीज़ भी बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। एक वीडियो गेम मूवी है गाइज, एक हॉरर गेम पे जो बेस्ड है एक मूवी, फाइव नाइट एट फ्रेडी, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्रेंड कर रही है मूवी। गाइज, ब्लम हाउस की ये मूवी है जो हॉरर मूवीज़ बनाती हैं, प्रोडक्शन हाउस। केवल $20 मिलियन इसका बजट है, लेकिन सिर्फ ओपनिंग वीकेंड इसका, सिर्फ ओपनिंग वीकेंड वर्ल्ड वाइड $130 मिलियन पहुंच चुका है। डोमेस्टिक मार्केट यानी यूएस कनाडा के मार्केट में इसका जो ओपनिंग वीकेंड है वो $78 मिलियन है। यानी फ्लैश, मिशन इम्पॉसिबल 7 और इंडियाना जोन्स 5, सबको इसने डोमेस्टिक मार्केट पे बीट कर दिया है। यानी गाइज, वीडियो गेम की जो फ्रेंचाइजेज हैं उनकी मूवीज भी अब बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आपको ये भी याद होगा, टॉम हॉलैंड की मूवी थी अनचार्टेड नाम की, जो पेंडेमिक के बीच में रिलीज हुई थी, फिर भी उसने बहुत अच्छा कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पे। तो अब आप गाइज ये बात गौर करेंगे कि कई सारे प्रोडक्शन हाउसेज अब वीडियो गेम बेस्ड मूवीज बनाने लग जाएंगे। दूसरी अपडेट है हमारी हेनरी कैवल के बारे में, जो आप जानते हैं डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में सुपरमैन का रोल प्ले करते थे। इनकी नई मूवी जो है उसका नाम निकल के आ रहा है, हाईलैंडर मूवी, जो 1986 में आई थी, एक एपिक फैंटेसी मूवी थी, एक ठीक ठाक मूवी है गाइज। वो उसका रिबूट कर रहा है लाइन्स गेट, उसमें हेनरी कैवल नजर आएंगे। आप जानते हैं हेनरी कैवल ने विचर फ्रेंचाइज में भी वर्क किया था, तो एपिक फैंटेसी वाले रोल अगर वो करते हैं तो पब्लिक उनको पसंद करती है। तो हाईलैंडर का रिबूट कंफर्म कर दिया है लाइन्स गेट ने, और $100 मिलियन बजट दिया गया है इस मूवी को। जैसा कि मैंने बताया, एपिक फैंटेसी मूवीज और इस तरीके की मैजिकल बेस्ड मूवीज, वॉरियर टाइप की मूवीज, ये इस वक्त बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो गाइस, आपको क्या लगता है, ये जो वीडियो गेम मूवीज की फ्रेंचाइजीज हैं ये भी बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छा कर रही हैं, तो क्या ये सही टाइम है कि प्रिंस ऑफ पर्शिया फ्रेंचाइज को भी वापस लाया जाए मूवीज में? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।